हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनॉल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में स्क्रीन लाइफ के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाली हूं कि कैसे स्क्रीन लाइफ की जाती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है जिससे आप एक बार में ही स्क्रीन लाइफ करना सीख जाएंगे। तो मैं आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूं, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट बेनिफिट्स है फ्रेंड्स कि आपका डाटा बहुत ही कम खर्च होता है स्क्रीन लाइव करने से। इसकी सेकेंड बेनिफिट्स है फ्रेंड कि आपको इसमें फेस दिखने का चांसेस नहीं रहता है कि आप फ्रंट या बैक कैमरा से क्या दिखा रहे हैं, और बाई चांस आपके फेस ना दिख जाए तो इसमें कोई भी इसके चांसेस नहीं रहते हैं स्क्रीन लाइव करने से। और वॉकिंग करते टाइम ही आप इसे इजीली कर सकते हैं स्क्रीन लाइव, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक कैमरा कुछ दिखता नहीं है। तो ये सेकेंड बेनिफिट हो गए। थर्ड बेनिफिट है फ्रेंड्स कि आप खुद की आईडी से सेम डिवाइस से अपने लाइव में खुद की आईडी से चैटिंग कर सकते हैं, आपको दूसरे डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ बेनिफिट है फ्रेंड कि अगर आपके नंबर पे किसी का कॉल आता है तो आप किसी का कॉल भी रिसीव करके बात कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट है फ्रेंड। तो ये सारे बेनिफिट इसके हो गए, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें स्क्रीन लाइव करनी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली अपने YouTube ऐप को ओपन करेंगे, और YouTube ऐप को ओपन करने के बाद हमें प्लस के आइकॉन पे चले जाना है। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमें सिर्फ गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप बिना स्क्रीन वाली अगर एलपी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टाइटल लिखेंगे, और जो जो ऑप्शन आपको फॉलो करना होगा मैं बताऊंगी बाद में। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करना है स्क्रीन लाइव स्ट्रीम। तो इसके लिए हम राइट साइड में टॉप कॉर्नर में एक मोबाइल का सिम्बॉल दिखाई दे रहा है जिसपे एरो बना हुआ है, तो उस मोबाइल के आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइव स्ट्रीम है तो स्क्रीन लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से रिकॉर्ड होना। तो हम इस मोबाइल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने मोबाइल वाले आइकॉन पे क्लिक किया है, हमारा जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, और यहाँ से अब हम टाइटल लिखेंगे। तो हम टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहते हो लाइव स्ट्रीम के लिए वहाँ से आप टाइटल लिख दीजिएगा। तो कुछ भी, जैसे कि वेलकम। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आपको 60 वर्ड लिखने को मिलता है, तो आप देख लीजिएगा 60 से ज़्यादा नहीं लिखना होता है। तो यहाँ से हम इतने वर्ड लिख लेंगे जितना आप चाहें। यहाँ से हम टाइटल लिख देंगे, और टाइटल लिखने के बाद नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है पब्लिक का, तो हम यहाँ से पब्लिक ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपको लाइव स्ट्रीम पब्लिक ही करनी है तो पब्लिक ही हम रहने देंगे लाइव स्ट्रीम को। और फिर हम यहाँ पर नीचे आएंगे, तो नीचे हमें बस ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाना है। तो ऑडियंस वाले ऑप्शन में हमें चूज करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो जो कि ऑलरेडी मेरे में सेलेक्ट है पहले से ही। और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, इस वाले ऑप्शन को हमें चूज कर लेना है, यानी कि हमारे जो वीडियोज है या लाइव स्ट्रीम है किस ईयर्स के लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें 18 के ओवर चूज कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो मोर ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। और मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे जाना है, और हमें जाना है एडवांस सेटिंग्स में। तो एडवांस सेटिंग्स में हमें तब जाना होता है फ्रेंड्स जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया रहता है। तो हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे और फिर देखेंगे क्या क्या ऑप्शन आता है। तो एडवांस सेटिंग में जाने पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ चैट। तो अलाउ चैट में मैं आपको बता दूँ तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, क्योंकि अलाउ चैट सिलेक्ट नहीं रखना है हमें। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा ओनली चैनल मेंबर्स में सेंड मैसेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके चैनल पे अगर ज्वाइन बटन इनेबल है, जो भी आपके मेंबरशिप लिए हुए हैं आपके चैनल पे, तो बस आपके लाइव स्ट्रीम में मेंबर ही आपको मैसेज कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ज्वाइन बटन को जिसने मेंबरशिप ली हुई है आपके चैनल पे बस वही मैसेज करें, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सारे फ्रेंड्स के मैसेज आने हैं तो मैं यहाँ से नहीं करूँगी। और फिर हम आएंगे नीचे ऑप्शन में इनेबल मोनेटाइजेशन में, ये ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गया रहेगा, तभी मिलेगा। तो एलबी करने से पहले आप इस ऑप्शन को, अगर आप अपने लाइव स्ट्रीम में मोनेटाइजेशन को ऑन रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑन कर देंगे। तो जैसे कि मैंने ऑन कर दिया है, अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद हम फिर नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से हम थंबनेल लगाते हैं। तो थंबनेल का ऑप्शन जहाँ पे बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकॉन दिख रहा होगा, तो पेंसिल के आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपने थंबनेल को गैलरी से। तो अगर आप कोई भी गैलरी से कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं, कोई भी पिक तो लगा सकते हैं, या आप पहले से ही कोई थंबनेल लगा कर रखे हो, बना कर रखे हो, सेव किए हो, तो आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसमें से मैं अपलोड, सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है अपलोड थंबनेल, उस पर मैं क्लिक करूँगी। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी पिक लगाना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिक ले लूँगी और इसे एडजस्ट कर लेंगे हम इसमें थंबनेल में। तो अभी एडजस्ट हो गया, यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देंगे। प्रोसेसिंग हो रहा है और ये हमारा थंबनेल बनकर बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम चूज करेंगे कि हमें लैंडस्केप में रखना है या पोर्ट्रेट में रखना है। तो मैं यहाँ से लैंडस्केप ही चूज करूँगी क्योंकि लैंडस्केप से स्क्रीन लाइट करने में ज़्यादा ही अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। तो लैंडस्केप के ऑप्शन को मैं चूज करूँगी और यहाँ से मैं कर दूंगी नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें गॉट इट का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें गॉट इट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरफेस ऐसे हो जाएगा। और वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि राउंड शेप में आपको फैन दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि मैंने कैमरे को घुमा दिया है, नहीं तो मेरा फेस दिखाई देता। तो इस तरीके से आप कैमरे को घुमा दीजिएगा। और इस कैमरे पे हम अपने चैनल का लोगो लगाएंगे, तो इसके लिए लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर में आपको एक सिंबल दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो चैनल का लोगो लग जाएगा। उसके राइट साइड में साउंड बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वॉइस जो है म्यूट हो जाएगा। और फिर हम गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो गो लाइव के पे हम जब क्लिक कर देंगे तो हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया है, तो हम अपने यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे अपने चैनल पे। और चैनल पे जाकर अपने वीडियो पे जाएंगे तो हमारा लाइव स्ट्रीम होम पेज पे दिखाई दे रहा होगा, वहां से हम अपने लाइव स्ट्रीम में इंटर कर जाएंगे। तो जैसे ही हम अपने लाइव स्ट्रीम में इंटर करेंगे, उसके बाद हम अपने चैनल के लोगों को ले जाकर स्क्रीन पर सेट करेंगे। और स्क्रीन पर सेट करने के बाद आपको इस लोगों पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि लोगों पर क्लिक करने पर सारे ऑप्शन आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दी हूँ। अब यहाँ पे हम मैसेज करेंगे, तो जैसे कि मैंने मैसेज किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और चैटिंग में भी दिखाई दे रहा है। तो ये स्क्रीन पर मैसेज नहीं दिखाई दे, इसके लिए हम क्या करेंगे, चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैसेज का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको हम ऑफ कर देंगे। तो ऑफ कर दिया, अब हम आपको मैसेज करके दिखा रहे हैं। तो अब हमारा जो मैसेज है वो नहीं शो होगा स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा मैसेज पर शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप चैनल के लोगों पे क्लिक करके अगर अपने वॉइस को अनम्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ से अनम्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे तो सारे फिर ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी अपने वॉइस को म्यूट किया हुआ है, तो यहीं से आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। अब आपको चैनल को, अब लाइव स्ट्रीम को क्लोज करना होगा, तो इसके लिए चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे और राइट साइड में टॉप कॉर्नर में क्रॉस का साइन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करेंगे और फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको न्यू सब्सक्राइबर कितने मिले हुए हैं और आपको वॉच टाइम कितना मिला हुआ, ये सब सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका लाइव स्ट्रीम सेव हो जाएगा और प्रोसेसिंग में भी लगा हुआ है और ये सेव हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।